नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। आज मैं आप लोगों को कोरल ड्रॉ 11 के अंदर फिजिक्स के जो डायग्राम्स होते हैं, फिजिक्स के जो फिगर्स होते हैं, वो आप कैसे बनाएंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा कोरल ड्रॉ 11 के अंदर। और ये इसलिए मैं बताऊंगा क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि कैसे हम लोग फिज़िक्स के जो डायग्राम्स हैं, फिगर्स हैं, वो हम कैसे बनाएंगे बताने के लिए। तो आज मैं वही डायग्राम और लेकर हाजिर हूँ। तो जो मैं आज बताऊँगा कोरल ड्रॉ 11 के अंदर, ये देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ कॉन्वेक्स मिरर का है, ये देखिए डायग्राम आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह के डायग्राम हम कैसे बनाएंगे सिंपल और आसान तरीके से, और जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिन्हें कोरल ड्रॉ नहीं भी पता, वो भी इस तरह के डायग्राम बना सकते हैं। और कैसे बनाएंगे ये मैं आपको सिंपल, आसान और आहिस्ता आहिस्ता बताऊँगा। अगर आप नए हैं तो भी आप इस तरह के डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा, एक बार गौर से फिर भी देखते हैं डायग्राम को। ये देखिए कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पर डायग्राम इस तरह बना हुआ, देखिए ये देखिए, गौर से थोड़ा डायग्राम को देख लीजिए, फिर मैं आपको हूबहू इसी टाइप के आपके डायग्राम कैसे बनाने हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल इस डायग्राम को मैं उठाकर साइड में रख देता हूं, ताकि मैं बनाता भी रहूंगा, दिखाता भी जाऊंगा क्या कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है, सबसे पहले एक लाइन लेना है, सिंपल से स्ट्रेट लाइन लेना है पेज में। सबसे पहले एक नया पेज में आपको लाइन लेना है। तो सबसे पहले ये टूल बॉक्स है, देखिए यहाँ पर टूल बॉक्स आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर जो ये टूल है, यहाँ पे ठीक देखिए, ये वाला जूम टूल के ठीक नीचे चौथा वाला टूल, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ देखिए लाइन से रिलेटेड बहुत सारे टूल्स आपको दिखाई देगा। ये जो पहला वाला फ्री हैंड टूल है, फ्री हैंड टूल जिससे हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले फ्री हैंड टूल पे क्लिक कीजिए। उसके बाद फर्स्ट क्लिक लाइन ड्रॉ करने के लिए कोरल ड्रॉ के अंदर, किसी भी कोरल ड्रॉ के वर्सन के अंदर फर्स्ट क्लिक कर दीजिए, उसके बाद नहीं क्लिक करना। और जहाँ तक आपको लाइन चाहिए वहाँ तक आप उसको ले जाइए, उसके बाद कंट्रोल दबा के रखिए, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, उसके बाद क्लिक कर दीजिए। तो ये लाइन एक लंबा सा लाइन ड्रॉ हो गया। अब इस लाइन को अगर थिक करना है, थोड़ा सा मोटा करने के लिए, जब भी आप किसी भी टूल्स को, जब भी आप कोई ड्रॉ करते हैं तो उसको थिकनेस वगैरह कुछ भी करना होगा, तो ऊपर आपको उसके प्रॉपर्टी बार आपको दिखेगा। यहाँ देखिए हेयर लाइन दिया हुआ, इस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पर 4 पॉइंट ले लिया, ये देखिए लाइन तैयार हो गया। अब ये लाइन जो है वो रेड कलर का है, तो राइट हैंड साइड में आपको कलर पैलेट दिखाई देगा। यहाँ पे क्लिक, जो भी लाइन कलर करने के लिए राइट क्लिक, माउस का राइट क्लिक कलर पैलेट पे ले जाइए, कलर पे रखिए और माउस का राइट क्लिक कीजिए, तो आपका लाइन का कलर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक सी नुमा आपको ड्राॅइंग इस तरह ड्रॉ करना है, सी के टाइप का। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये देखिए टूल बॉक्स में जाइए, पिक टूल पर जाइए, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, अगेन फ्री हैंड टूल में जाइए, फ्री हैंड टूल, उसमें देखिए जो पहला वाला टूल जिससे हम लोगों ने लाइन ड्रॉ किया था उस पर क्लिक कीजिए, और नॉर्मल सा एक इस तरह का फर्स्ट क्लिक और लास्ट क्लिक इस तरह का एक सीन बनाने के लिए नॉर्मल सा आप इस लाइन को इस तरह फर्स्ट क्लिक एंड लास्ट क्लिक इस तरह ड्रैग कीजिए। ड्रैग नहीं करना है, सिंपल फर्स्ट क्लिक एंड लास्ट क्लिक कर दीजिए, लाइन आ गया। अब थोड़ा सा इसको थिक मोटा करना है, तो अगेन आप यहाँ ऊपर जाइए, हेयर लाइन का बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे 4 कर दिया, देखिए लाइन इस तरह का बन गया। अब क्या करना है, इसको सी नुमा शेप देना है, सी टाइप का सर इस तरह का। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये आपका टूल है, पिक टूल है, ठीक नीचे शेप टूल है, F10 दबाइएगा तो भी आ जाएगा। यहाँ पर शेप टूल पर क्लिक कर देना है। अब शेप टूल पर जैसे ही क्लिक करेंगे, इस तरह आपको पतला पतला लकीर दिखाई देगा, उसको डॉटेड लाइन दिखाई देगा। उसके बाद शेप टूल पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन आपको दिखाई देगा ऊपर, ये देखिए ये ऑटो क्लोज कर्व का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके बाद लाइन को क्लिक कीजिए, उस लाइन पर जैसे ही क्लिक करेंगे बाकी सब देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन उभर कर आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन कन्वर्ट लाइन टू कर्व, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इसको थोड़ा सा बीच में, लाइन के बीच में रखिए, इस तरह थोड़ा ड्रैग कीजिए। उसके बाद देखिएगा हैंडल दिखाई देगा, हैंडल से आप इसको शेप दे सकते हैं, सर्कल नुमा हाफ इस तरह का शेप आप दे सकते हैं, इस तरह देखिए। उसके बाद थोड़ा सा ड्रैग कर दिया, ये देखिए, ये देखिए उसके हैंडल से थोड़ा सा और कॉर्नर पोर्शन पर आपको हैंडल मिल जाएगा, इस तरह आप बढ़िया सा सुंदर सा इसको थोड़ा सा तो नीचे कीजिएगा, इस तरह का सी बन जाएगा, इस देखिए इस तरह। उसके बाद पिक टूल पे क्लिक कर दीजिए, करने के बाद यहाँ पे देखिए ये आपका
ये आउटलाइन के लिए यहाँ पे क्लिक कर दीजिए 4:8 जो आपको अच्छा लगे 8 कर दिया। उसके बाद इसे यहाँ पे लाके बीचों बीच इस लाइन के बीचों बीच इस तरह रख देना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ जो हम लोगों का ड्राइंग है, देखिए कॉन्वेक्स लेन का ये देखिए इस तरह सीनुमा इस तरह लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ध्यान से देखिए ये देखिए। तो सेम टू सेम इसी तरह आपको एक लाइन इस तरह उसको कर्व टाइप का एक शेप बना देना है। अब ये बनने के बाद इसके पीछे देखिए हल्का सा शैडो दिया हुआ, आप शैडो भी दे सकते हैं। तो शैडो देने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा तो उसके लिए अगेन टूल बॉक्स में जाइए, थोड़ा नीचे आइए, यहाँ पे देखिए ये देखिए इस टूल टेक्स्ट टूल के ठीक नीचे ये वाला टूल है, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर देखिएगा शैडो टूल का एक ऑप्शन होगा इंटरेक्टिव ड्रॉप शैडो टूल, इस पर क्लिक कर दीजिए और इसे ड्रैग कीजिए इस तरह, तो एक और सी इस तरह देखिए आ जाएगा, ओके कर दीजिए। देखिए हल्का सा आपको शैडो दिखाई देने लगेगा, देखिए ध्यान से देखिए आप। उसके बाद हैंडल है इस तरह ड्रैग कर दीजिए, देखिए हल्का सा आपको पीछे शैडो इस तरह आपको शो करेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो शैडो दे दिया इस तरह का, देने के बाद आपको क्या करना है, अब ये देखिए एक लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉ किया हुआ, सिंपल से एक लाइन है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन है। इस तरह का स्ट्रेट लाइन कैसे करेंगे, यहाँ से लेकर आपको एक लाइन ड्रॉ करना है यहाँ से लेकर, तो सिंपल अगेन आप टूल बॉक्स में जाइए और ये जो फ्री हैंड टूल है इस पर क्लिक कीजिए, ये वाला टूल इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे फर्स्ट क्लिक पहला क्लिक करना है आपको और यहाँ से लाकर यहाँ तक सो कंट्रोल दबा के रखिएगा तो लाइन स्ट्रेट आ जाएगा और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये देखिए क्लिक कर दीजिए, ये लाइन देखिए एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे इस तरह का एक कर्व लाइन इस तरह ड्रॉ हो गया, जैसे ये वाला लाइन। अब इस लाइन को थोड़ा सा थिक करना है, थोड़ा मोटा करना है, तो ऊपर जाइए यहाँ पे इसके प्रॉपर्टी बार में जाइए, यहाँ पे 4 पॉइंट में क्लिक कर दीजिए, देखिए लाइन आ गया, देख लीजिए यहाँ पे देखिए लाइन आ गया, सिंपल सा लाइन आ गया। उसके बाद अब गौर से अगर देखेंगे तो एक लाइन देखिए यहाँ से भी इस तरह, फिर इस तरह, फिर एक लाइन इस तरह है, इस तरह लाइन है। तो इस तरह का लाइन हम कैसे बनाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ, सिंपल है। उसके लिए आप क्या करें, अगेन आप टूल बॉक्स यहाँ पे जाइए टूल बॉक्स में, उसके बाद ये जो फ्री हैंड टूल है उसी में उस पर क्लिक कीजिए, फ्री हैंड टूल के ठीक बगल में देखिए बेजर टूल है, ध्यान से देखिए बेजर टूल, इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद जो इस पॉइंट पे आपने स्टार्ट किया है लाइन को वहाँ पे क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेट एक लाइन यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये देखिए, फिर वहाँ पे जाने के बाद फिर एक लाइन यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये देखिए यहाँ पे ये जगह पे क्लिक कर दीजिए, इस तरह बन गया। फिर एक दूसरा लाइन क्लिक करना है यहाँ तक, यहाँ पे लाना है आपको यहाँ तक, इस पर क्लिक कर दीजिए, देखिए यहाँ इस तरह का लाइन ड्रॉ हो गया, देखिए यहाँ से ये देखिए इस तरह लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, देखिए इस तरह बेजर टूल से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको जैसा अच्छा लगे उसको ऊपर नीचे थोड़ा ले जा सकते हो, पॉइंट से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, पॉइंट पे थोड़ा सा रखिए आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, ये तो बन गया। उसके बाद आपको क्या करना है, हेयर लाइन है ऊपर थोड़ा सा मोटा कर देते हैं इसे, यहाँ पर 4 पॉइंट कर दिया। उसके बाद इसको कलर करना है, दूसरा यहाँ पर जाइए कलर पैलेट में और ये राइट क्लिक कर दीजिए, देखिए कलर ये इसका बन गया, ध्यान से देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से देखिए यहाँ से बेजर टूल से इस तरह का आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए डॉटेड लाइन है, देखिए ध्यान से डॉटेड लाइन है, ये वाला तो मैंने आपको दिखाया इस तरह इस तरह, अब इसके भी स्टार कैसे आएगा वो भी दिखाऊंगा मैं आपको, ये देखिए डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए अब डॉटेड लाइन भी दिखाता हूँ मैं करके कैसे करेंगे, तो यहाँ से आपको एक डॉटेड लाइन यहाँ से यहाँ तक चाहिए, फिर से थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखिए यहाँ से लेके डॉटेड लाइन यहाँ तक है, तो यहाँ से लेके आपको एक डॉटेड लाइन यहाँ तक चाहिए, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, ये देखिए डॉटेड लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए। तो अगेन आप क्या कीजिए, टूल बॉक्स में जाइए, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक टूल है बेजर टूल में ही क्लिक करके रखिए, फ्री हैंड टूल में जाना होगा, क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पहला क्लिक कीजिए फर्स्ट क्लिक और जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ ले जाइए इसको, ये देखिए यहाँ तक चाहिए आपको, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये देखिए लाइन तैयार हो गया, ये देखिए। उसके बाद लाइन को थोड़ा सा थिक करना है, मोटा करना है, तो अगेन इसके प्रॉपर्टी बार में जाइए और यहाँ से लाइन आप यहाँ से 4 कर दिया। अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए डॉटेड डॉटेड लाइन है, कटा कटा टूटा टूटा लगेगा ऐसे लाइन है, ध्यान से देखिए ये देखिए इस तरह लाइन है। तो इसको कैसे करेंगे ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, ये थोड़ा सा मैं इसे एडजस्ट कर लूँ, देखिए ये देखिए अब डॉटेड लाइन चाहिए, तो जिस लाइन को भी आपको डॉटेड करना है उस पर क्लिक करना होगा, ये मैंने क्लिक कर दिया। उसके प्रॉपर्टी बार में देखेंगे तो इस तरह आपको प्रॉपर्टी बार दिखाई देगा, तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो पॉइंट का आउटलाइन विड्थ का ये जो बॉक्स दिया हुआ है उसके ठीक बगल में यहाँ पे आएंगे, आउटलाइन स्टाइल सिलेक्टेड है उस पर क्लिक कीजिए डाउन बटन पर और यहाँ पर देखिए डॉटेड बहुत सारा इस तरह लाइन आपको दिखाई देगा, ये देखिए डॉटेड लाइन इस तरह आ गया। अब इसको भी अगर कलर करना है सिंपल है,
राइट क्लिक कर दीजिए, देखिए कलर हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये देखिए आ गया लाइन इस तरह। ये तो लाइन का हो गया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये लाइन हम लोगों ने बना दिया, लाइन हो गया। अब एक लाइन और यहाँ से लेकर, एक लाइन यहाँ से लेकर, एक लाइन और यहाँ पे है। तो लाइन लेने के लिए अगेन मैं आपको बोलता हूँ टूल बॉक्स में जाइए और यहाँ पे देखिए फ्री हैंड टूल में जाएंगे, क्लिक कीजिए और सिंपल यहाँ से पहला क्लिक यहाँ पे क्लिक कीजिए और जहाँ तक चाहिए आपको लाइन वहाँ पे ले जाके क्लिक कर दीजिए। क्लिक हो गया। अब इस लाइन को अगेन आप हेयर लाइन का जो बॉक्स दिखाई दे रहा आउटलाइन के लिए यहाँ पर जाइए, उसको 4 पे क्लिक कर दिया। उसका कलर करना है ऐसे कलर कर देते हैं पिंक, ये मैंने क्लिक कर दिया, ये देखिए हो गया, ये देखिए लाइन मेरा यहाँ से, ये देखिए लाइन मेरा यहाँ से ड्रॉ हो गया। देखिए इस तरह का लाइन तैयार हो गया। जो भी लाइन आपको जैसा कलर का चाहिए आप ले सकते हैं, जैसा आपके रिक्वायरमेंट्स है। तो ये देखिए लाइन यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये देखिए लाइन यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ से फिर यहाँ से, ये तैयार हो गया। अब इसके बीच में देखिएगा यहाँ पे, देखिए इस तरह का एक ट्रायंगल का शेप दिया हुआ बुलेट नुमा। तो ये कैसे लाएंगे ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो लाने के लिए क्या करेंगे, पिक टूल पे क्लिक कीजिए। करने के बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ मेनू बार में जाइए, टेक्स्ट में जाइए। जाने के बाद थोड़ा नीचे आइए, टेक्स्ट टेक्स्ट मेनू में यहाँ देखिए इंसर्ट कैरेक्टर, इंसर्ट कैरेक्टर पर क्लिक कीजिए। करने के साथ एक देखिए इंसर्ट कैरेक्टर का डायलॉग बॉक्स इस तरह राइट हैंड साइड में आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें देखिएगा इंसर्ट कैरेक्टर में यहाँ पे देखिए आपको फॉन्ट दिखाई देगा, इस तरह बहुत सारा कैरेक्टर दिखाई देगा। तो उसके डाउन बटन पे क्लिक कीजिए और डब्लू प्रेस कीजिए, डब्लू। तो क्या होगा, विंडिंग बोल के एक ऑप्शन आएगा, वेबडिंग विंडिंग्स, इस पर क्लिक कीजिए। विंडिंग्स, ये वेबडिंग्स में गया, यहाँ पर विंडिंग्स में जाइए, विंडिंग्स में क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए विंडिंग्स ऑप्शन बहुत सारा, विंडिंग्स 2, विंडिंग्स 3, यहाँ पे विंडिंग्स में गया। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा हो आपको, इसमें अगर नहीं मिलता है सिंपल है, फिर विंडिंग्स में सिर्फ विंडिंग्स में जाइए। अब इसे ढूंढते हैं कहाँ है, स्टार नुमा शेप आपको इजीली मिल जाएगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा। विंडिंग्स 3 में गया, ये देखिए विंडिंग्स 3 में जाइएगा, इस तरह का बॉक्स आपको दिखाई देगा। देखिए ध्यान से, जब टेक्स्ट में आप टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट कैरेक्टर में जाएंगे तो इस तरह राइट हैंड साइड में आपको एक बॉक्स दिखाई देगा, उसमें विंडिंग्स आपको ढूंढना पड़ेगा फॉन्ट का लिस्ट में, इंसर्ट कैरेक्टर का जो बॉक्स में। उसके बाद इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि ढूंढने में आसानी होगा। नीचे आइए थोड़ा सा, विंडिंग्स 3 में याद रखिए, ये देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्टार, लेफ्ट राइट जैसा आपको चाहिए, अपने रिक्वायरमेंट अनुसार। मान लीजिए मुझे ये चाहिए, पकड़ के ड्रैग करके ले जाइए, रख दीजिए सिंपल। ऐसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये मैंने छोटा कर दिया, और थोड़ा छोटा करना है छोटा कर दीजिए। उसके बाद इसमें कलर करना है, इसको लेफ़्ट क्लिक करके इसे फिल कर दीजिए, ये देखिए कलर हो गया। अब इसको ला के यहाँ पर रख दीजिए, इस पर थोड़ा सा इसको और छोटा करना है, ला के रख दीजिए। इसको आपको रोटेट करना है, इस पर क्लिक कीजिए, रोटेट का क्लिक कीजिए, रोटेट का ऑप्शन आ जाएगा, बीच में क्लिक कीजिएगा आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद इस तरह आप इसे यहाँ पर रख दीजिए, ये रख दिया मैंने, ये देखिए आ गया। फिर दूसरा लेना है, अगर चाहें तो इसको भी कॉपी कर सकते हैं, इसको यहाँ पे क्लिक कीजिए, एडिट में जाइए, डुप्लीकेट पे क्लिक कर दीजिए। एक जब ले लिया आपने, फिर डुप्लीकेट बन के आके तैयार हो गया। फिर ये लाइन देखिए फिर इधर है, इसका अपोजिट में है, सो क्लिक कीजिए, ऐसे घुमा दीजिए, इसको ऐसे घुमा दिया। उसके बाद इसे बीच में क्लिक कीजिए, इसको ले जाके यहाँ पर रख दीजिए, ये देखिए तैयार हो गया। फिर इसका एक एडिट में जाइए, एक बार कॉपी, फिर डुप्लीकेट कर दीजिए, डुप्लीकेट हो जाएगा, फिर ये बन गया। फिर यहाँ पे लाके इसको यहाँ पे इसको भी इस तरह बीच में क्लिक कीजिए, उसके बाद इसको रोटेट का ऑप्शन आ जाएगा, इस तरह रोटेट कर दीजिए, ये देखिए इस तरह घूम जाएगा, ये देखिए जैसा आपको चाहिए, जिसका इस पर क्लिक करके इसको ऐसे घुमाना है, ये घुमा दिया मैंने, ये इस तरह रोटेट कीजिए आ जाएगा ऑप्शन, ये देखिए। ये देखिए तीन स्टार इस तरह आ गया। फिर एक नीचे में ही लेना है इस तरह का, या तो यहाँ से फिर से आपको लेना है तो यहाँ पे विंडिंग का जो इंसर्ट कैरेक्टर का जो डायलॉग बॉक्स है उस पर क्लिक कीजिए, ड्रैग करके ला के रख दीजिए। उसके बाद इसे थोड़ा छोटा कर दीजिए, उसके बाद इसे कलर कर दीजिए, सिंपल है। उसके बाद इसे जैसा चाहिए यहाँ पर क्लिक करके, फिर उसके मिल में क्लिक कीजिए, रोटेशन का ऑप्शन आ जाएगा, उसको घुमा दीजिए इस तरह, सिंपल से तैयार हो गया। देखिए इस तरह बन गया सिंपल, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। करने के बाद
उसके बाद आप गौर से देखिएगा, अब इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब फिर से वापस हम लोग उस ड्राइंग में जाते हैं जो मैंने बनाया है। ये देखिए, इस तरह का आपको दिखाई देगा स्टार, सॉरी इस तरह का आपको एरो इस तरह दिखाई देगा। तो ये कैसे बनाएंगे मैं दिखाता हूँ, इसका भी तरीका देख लीजिए, सिंपल है। अगेन आप टूल बॉक्स में जाइए और यहाँ फ्री हैंड टूल में जाइए। देखिए फ्री हैंड टूल में क्लिक कीजिए और यहाँ पे फर्स्ट क्लिक, थोड़ा सा नीचे से फर्स्ट क्लिक और यहाँ से ये देखिए कंट्रोल दबा के रखिए, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। उसके बाद हेयर लाइन में जाइए, फिर अगेन इसे 4 पॉइंट कर दीजिए, हो गया। अब इसको थोड़ा कलर करना है, कलर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ऊपर स्टार चाहिए, तो स्टार के लिए जब भी आप जो भी लाइन आप बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो वहाँ पे अगर उसका बिगनिंग में स्टार ये चाहिए, एरो चाहिए, अच्छा नीचे, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ऊपर प्रॉपर्टी बार में जाइए, यहाँ पे देखिए एरो आपको दिखाई देगा, यहाँ से चूज़ कर लीजिए। ये देखिए एरो आ गया, उसके बाद इसको कलर कर लीजिए, ये देखिए कलर हो गया। ये तैयार हो गया इधर वाला, फिर एक एरो यहाँ पे भी है इसी सेम टू सेम। तो अगेन आप फ्री हैंड टूल में क्लिक कीजिए और यहाँ से डाउन पॉइंट से इस तरह क्लिक करके यहाँ तक ले जाइए, कंट्रोल दबा के रखिए, फर्स्ट क्लिक एंड लास्ट क्लिक, लाइन ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट क्लिक एंड लास्ट क्लिक। उसके बाद हेयर लाइन में जाइए, फिर से भी 4 पॉइंट कर दिया। उसके बाद स्टार चाहिए, अगेन बीच में जाइए, उसी लाइन लाइन में प्रॉपर्टी बार में जाएंगे तो यहाँ पे इसमें जाइए, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ये अगर गलती हो गया तो इधर इस पीछे वाला पे क्लिक कर दीजिए, एरो आ जाएगा। ये आ गया, देखिए ऊपर एरो आ गया, इसका भी कलर चेंज कर देना है, कलर चेंज कर दीजिए। ये देखिए बन गया, ये देखिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा करना है, ये देखिए तैयार हो गया इस तरह। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ पहले वाला ड्राइंग, देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए यहाँ पे इस तरह है, देखिए इस तरह इस तरह इस तरह, देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए अलग अलग कलर कर सकते हैं। लाइन कलर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल है, राइट क्लिक कीजिए, जिसको भी अलग कलर करना है इसमें क्लिक कर दीजिए, राइट क्लिक कर दीजिए, चेंज हो गया। अब देखिए ये पूरा का पूरा इस तरह का डायग्राम बन के तैयार हो गया। अब सिर्फ लिखना है बी और ए, तो सिंपल है, टेक्स्ट टूल में क्लिक कीजिए, करने के बाद लिख दीजिए बी, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बी, लिख दिया, इसे ड्रैग कर दिया मैंने क्लिक करके, थोड़ा सा इसे बोल्ड कर देना, क्लिक कर दिया, यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ, ये बी तैयार हो गया। अब इसे यहाँ पे ला के रख दिया मैंने, सिंपल है, आसान, बहुत ही आसान है। उसके बाद नीचे ए लिखना है, देखिए यहाँ पे बी और ए दिया हुआ है, बस यहाँ क्लिक कीजिए, कहीं भी आप क्लिक कीजिए टेक्स्ट टूल में, अब लिखिए, ये लिख दिया। उसके बाद अगेन पिक टूल पे क्लिक किया, इसे बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड, ये तैयार हो गया, देखिए ये देखिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए बी और ए है, इसी का आप कॉपी कर दीजिए, क्लिक कीजिए, एट में जाइए, डुप्लीकेट पे क्लिक कर दीजिए, फिर से बी को उठा के आपको यहाँ रख देना है। देखिए यहाँ पे बी भी दिया हुआ है, ए नीचे है, फिर इस पे ए पे क्लिक कीजिए, इसका भी एट में जाइए, फिर डुप्लीकेट कर दीजिए, इसे यहाँ पे लगा दीजिए, इसे यहाँ पे लगा दीजिए, थोड़ा बड़ा ये ड्रैग हो गया, ये देखिए हो गया। अब यहाँ पे पी चाहिए, पी लिखना होगा तो पी लिखिए आप, सिंपल है, आसान है। यहाँ पे मैं पी लिख देता हूँ, पी लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट टूल पे क्लिक किया, ये बोल्ड कर दिया, अब यहाँ पे पी लगा दिया, इस जगह पे पी हो गया। अब देखिए एफ एंड सी है, तो एफ़ लिखना है यहाँ, उसके बाद सी लिखना है, अगेन टेक्स्ट टूल पे क्लिक कीजिए, बाहर क्लिक कीजिए, एफ़ लिखिए, ये मैंने एफ़ लिखा, और उसके बाद यहाँ पिक टूल पे क्लिक किया, उसके बाद इसे बोल्ड कर देता हूँ टेक्स्ट टूल को, अब मैं यहाँ पे एफ़ लिख देता हूँ, एफ़, अब यहाँ पे एफ़ आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए सी है, देखिए यहाँ पे तो सी लिखना है, अगेन टेक्स्ट टूल पे क्लिक कीजिए, फिर बाहर क्लिक कीजिए, फिर लिखिए सी, टाइप कीजिए, सी हो गया, अगेन आप पिक टूल पे क्लिक कीजिए, उसे बोल्ड कर दीजिए, ये सी बन के तैयार हो गया, देखिए इस तरह। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए कॉन्वेक्स मिरर लिखा हुआ है, टेक्स्ट टूल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे टाइप कर दीजिए, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद अगेन पिक टूल पे क्लिक कीजिए, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिए, इटैलिक जो करना है बोल्ड कर दिया। उसके बाद यहाँ से कलर चेंज कर दीजिए, ये देखिए डायग्राम, देखिए ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, इस डायग्राम को देखिए। तो इस तरह सिंपल है और बहुत आसान तरीके से आप फ्री हैंड टूल के माध्यम से आप कोरल ड्रॉ के अंदर आसानी के साथ फिजिक्स का कोई सा भी ड्राइंग आप इजीली बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। और उसके बाद जब बन जाने के बाद आपको क्या करना होगा मैं आपको दिखाता हूँ।
इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ, ये कर दिया। ये देखिए पहले वाला ड्राइंग देखिए आप, ये डायग्राम देखिए और ये वाला डायग्राम देखिए, सेम टू सेम है। उसके बाद बन जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल आपको क्या करना है, इसे सिलेक्ट इस तरह सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद यहाँ अरेंज में जाइए, उसके बाद ग्रुप पे क्लिक कर दीजिए, ग्रुप हो जाएगा। देखिए इस तरह का ग्रुप हो जाएगा, ये देखिए देखिए डायग्राम ध्यान से देखिए। इसके बाद आपको पहला वाला दिखाता हूँ मैं, ये साइड में रखा हुआ है, ये देखिए ये पहला वाला डायग्राम आप देखिए, कॉन्वेक्स मिरर लिखा हुआ है। देखिए डायग्राम देखिए देखिए ध्यान से देखिए इसको। उसके बाद जो मैंने अभी क्रिएट किया, ये देखिए ये वाला, इसको भी उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ। देखिए सेम टू सेम आपको नज़र आएगा, देखिए यहाँ पे है सेम टू सेम इधर बना हुआ, देख लीजिए ध्यान से देख लीजिए, सेम टू सेम उसी टाइप का है ये डायग्राम। देखिए ध्यान से देखिए, देखिए इसका देखिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग फिजिक्स का डायग्राम या फिगर कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं सिंपल और ईजी वे में। अगर मेरा ये ट्यूटोरियल आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको और भी कुछ रिक्वेस्ट है कि फिजिक्स के और किसी डायग्राम के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और मेरा ये ट्यूटोरियल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।